लिट्टी स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है सत्तू। सत्तू कैसे बनता है? चना को भूना जाता है और उसे पाउडर बना दिया जाता है, तो ये सत्तू कहा जाता है। यहाँ पे हमने सत्तू ले लिया है। स्वाद के अनुसार नमक, अजवाइन, मंगरैल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी। अब हम उसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक जिसे हमने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च, प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन की कली जिसे हमने बारीक काट लिया है, एक नींबू का रस यूज करेंगे और यहाँ पे हम फ्रेश धनिया पत्ता भी यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सत्तू को ऐसे फैला देंगे और इसमें डालेंगे अजवाइन, नमक, आप स्वाद के अनुसार सभी चीज को डालिए, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मंगरैल। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, ये मेन इंग्रेडिएंट है लिट्टी का, और कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट रखा है, अदरक इसे भी हमने छील के बारीक काट रखा है, फ्रेश धनिया पत्ता। अब हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। अब हम नींबू का रस निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम एक नींबू यूज कर रहे हैं। सत्तू में सरसों का तेल ना हो तो ये स्टफिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो इसमें हम ढेर सारा तेल डाल लेंगे। अब हम इसे हाथों से मैश के दिखाते हैं आपको। अब हम हथेली की मदद से इसे ऐसे मैश करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी स्टफिंग तैयार होता है। यहाँ पे हमारी सत्तू सूखी सूखी दिख रही है तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी बहुत लिमिटेड डालना है, तो हम चुल्लू में ऐसे लेके फैलाएंगे और फिर से इसे मैश करेंगे। पानी के सहारे इसे अच्छे से मैश लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिट्टी की स्टफिंग तैयार कर ली है। चलिए इसे हम कैसे भर के तैयार करते हैं वो प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग तो तैयार कर ही लिया है और आटा को हमने पहले से गूंद रखा है। अब हम आटा में से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। लोई को हम ऐसे डस्ट कर लेंगे। तो ये आटा वैसे ही लगाना है जैसे हम नॉर्मली पूरी पराठे का लगाते हैं या तो कचौड़ी का, वैसे ही हमें लगाना है। इसमें कोई खास ये नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कटोरी तैयार कर लिया। चलिए स्टफिंग भर के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने कटोरी में अच्छे से सत्तू को भर लिया है। अब हम अंगूठा से प्रेस करते हुए इसके मुंह को ज्वाइंट कर लेंगे और मुंह को ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ध्यान रहे मुंह अच्छे से सील होना चाहिए, नहीं तो ये खुल सकता है। इसको ऐसे हम राउंड कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के दूसरे लिट्टी में यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी सत्तू लिट्टी बनके तैयार हुई है। ऐसे ही हम सभी लिट्टी तैयार करके आपको दिखाते हैं। जब तक हमने लिट्टी तैयार किया तब तक हमने प्रेशर कुकर में इधर पानी भी उबाल रखा है और उसमें हम एक छोटा जाली डाल दिए हैं। उसके ऊपर हम धीरे धीरे अपनी लिट्टी को छोड़ देंगे। तो उबले हुए पानी में लिट्टी डालते टाइम आप अपना सेफ्टी का ध्यान रखिए, आराम से डालिएगा, हाथ में ही चलने चाहिए। ऐसे हम सभी लिट्टी डाल लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमने उबले हुए पानी में अपनी सभी लिट्टियां डाल दी है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तो ढक्कन लगाएंगे पर इसकी भी सील निकाल देंगे क्योंकि ये झाग बनता है तो पानी बाहर होता है। तो हमें विदाउट व्हीसिल का इसे स्टीम करना है। करीबन 10 से 20 मिनट तक करेंगे जैसे अच्छे से अपनी लिट्टी पक जाए। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुका है, हम अपना गैस बंद कर लेंगे और इसको ढक्कन को ओपन करेंगे धीरे धीरे। तो इसमें व्हीसिल नहीं है तो ये आराम से ढक्कन निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बॉयल होने के बाद हमारी लिट्टी की क्वांटिटी कितनी बड़ी हो गई है, यानी कि वो फुल के बड़ा हो गया है और कुकर भी हमारा एकदम लबालब भर चुका है। अब हम एक चम्मच की मदद से गर्मा गर्म अपनी लिट्टी को एक प्लेट में डिश आउट करेंगे। ध्यान रही ये सारे प्रोसेस एकदम सावधानी से होने चाहिए, हाथ पाँव नहीं जलना चाहिए। तो हम एक लिट्टी को आराम से ऐसे कोई भी चमची से निकाल लेंगे। गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे
सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स ये हम सेलो फ्राई करके दिखा रहे हैं क्योंकि आजकल हेल्थ को लेकर सभी लोग परेशान हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसके हम थोड़ा सा ऐसे जीरा डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे राई। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा राई भी डाल देंगे, अच्छे से चटका लेंगे सभी फोरन को, अच्छे से हम चटका लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जीरा और मस्टर्ड अच्छे से तरक चुका है। अब हम इस पे धीरे धीरे एक एक अपना मिर्ची डाल देंगे। तो हमने सभी मिर्चियाँ डाल रखी है, अब हम आराम आराम से एक मिर्ची को ऐसे फ्लिप करते जाएंगे। अब चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी सेलो फ्राई हो रही है मिर्ची, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर हमारे कमेंट में ये सुझाव जरूर दीजिएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अब हम मिर्ची को स्वादिष्ट बनाने के लिए बीच में थोड़ा सा हरी मिर्च डाल के फ्राई कर देंगे, वो साथ में और भी फ्राई हो जाएगा। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे क्योंकि ये भी पकने के बाद बहुत ही खुशबू देता है और मिट्टी में चार चांद लग जाती है। तो ऐसे हम उलटते पलटते अपनी सभी मिट्टी को फ्राई कर लेंगे।